योगी राज में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की गर्जना। योगी का बुलडोजर अब सपा के गढ़ में चला। मुलायम के कार्यालय को ही सीएम योगी ने ढा दिया। योगी ने दूसरे कार्यकाल में कसम खा ली है कि पूरे यूपी में अवैध कब्जों को, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। यूपी को पूरी तरह से साफ सुरक्षित किया जाएगा, जहां हर काम सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से होगा और यहां जोर किसी पार्टी का नहीं चलेगा। अब समाजवादी ने ही मैनपुरी में कार्यालय बनवाया हुआ था, कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने ये सपा कार्यालय खाली करवा लिया था। अब इसी पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। जी हां, मुलायम के गढ़ मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यालय को प्रशासन ने खाली करवा कर उस पर ताला लगा दिया था। हालांकि इस पर सपा की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका पर कोई बहस हो पाती उससे पहले ही सपा कार्यालय पर योगी का बुलडोजर चल गया। हालांकि हाई कोर्ट से भी याचिका के जरिए कोई राहत नहीं मिल पाई थी। ऐसे में सवाल ये कि क्यों गिराया गया सपा का कार्यालय। मैनपुरी नगर के देवी रोड पर नगर पालिका के पास समाजवादी पार्टी का पुराना नगर कार्यालय था, जिस जगह पर यह सपा कार्यालय बना हुआ था। वो जगह जिला पंचायत ने 2004 में आवंटित की थी। 9 सितंबर को पुराने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा हुआ था, जिस पर लिखा गया था कि सपा नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने 2 कक्षों का आवंटन किया गया था। कार्यालय दूसरी जगह बनाने से 5 सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया है, इसलिए कार्यालय को 2 दिन में खाली करा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी सपाइयों ने कार्यालय को पूरी तरह से खाली नहीं किया था। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंचे और कार्यालय खाली करवाकर उस पर ताला लगा दिया। हालांकि इसके विरोध में पूर्व सदर विधायक राजू यादव कार्यकर्ताओं के साथ इसकी शिकायत लेकर जिला अधिकारी के ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन राहत नहीं मिली। तब सपा ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दायर कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। उससे पहले योगी का बुलडोजर चल गया। सपा कार्यालय पर हुई योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में जब अपर मुख्य अधिकारी से बात की गई, तो उनका कहना था कि साल 1994 में 10 साल के लिए पट्टा दिया गया था, फिर सपा कार्यालय के लिए 90 साल का पट्टा हुआ था। तब पार्टी का नया कार्यालय नहीं बना था। इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है। कार्यालय दूसरी जगह बनाने पर यह कार्रवाई की गई। 9 सितंबर को शासन के निर्देश पर कार्यालय खाली कराने के लिए नोटिस दिए गए थे। नया कार्यालय बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली करवाई गई। यहाँ जिला पंचायत अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगी। वहीं सपा इस कार्रवाई को लेकर हाय तौबा कर रही है, सरकार के खिलाफ सवाल उठा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि कार्यालय के लिए हमें 99 साल का पट्टा दिया गया था। इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। ये कार्रवाई पूरी तरह गलत है। आपको बता दें, साल 2004 सपा कार्यालय के लिए देवी रोड स्थित जिला पंचायत के पुराने भवन को आवंटित किया गया था। इसके बाद जिला पंचायत अधिवक्ता ने इसका इंस्पेक्शन किया और पाया कि नियमों की अनदेखी हुई है, शर्तों का पालन नहीं हुआ है, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य ने पहले नोटिस जारी किया और उसके बाद कार्रवाई का हंटर चला दिया। वैसे कार्यालय पूरी तरह से जर्जर हालत में था, जो फिर से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। अब जल्द ही योगी सरकार मलबे को साफ करवा कर यहाँ मॉल की मैपिंग करवाएगी, मैनपुरी वासियों को एक मॉल देगी। हालांकि देखते हैं ये मॉल कब तक बनकर तैयार होगा। और हाँ, अगर मॉल बन भी गया तो ये मॉल सपा कार्यकर्ताओं को मुंह जरूर चिढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।